चलिए जैन साहब है हमारे साथ में और इनसे समझ लेते हैं कि अलसी की क्या स्थिति है मंदसौर मंडी, क्योंकि यहाँ जो मंदसौर मंडी है उसमें अलसी भी काफी मात्रा में आती है और मसाला के रूप में अलसी का उपयोग भी किया जाता है। तो बोल जी, अलसी का क्या स्थिति है मंदसौर मंडी का, कितनी आती है, क्या अपने यहाँ 1500 से 2000 बोरी रोज आती है अलसी, और इसका उत्पादन भी अच्छा रहा इस साल, बस ये आयल परसेंट कम हो गया सब में। तो अलसी का क्या बनता है ये? अलसी का एक तो हर्बल प्रोडक्ट हो गया है तो एक्सपोर्ट भी होता है, और वैसे ये आयल पेंट में जो काम में आता है इसका आयल जी, और इसकी जो खल होती है वो विदेश जाती है। तो मतलब अलसी एक बड़ी वो फसल है, तो इसका जो आयल पेंट है या विदेश जो एक्सपोर्ट होता है, तो क्या अभी एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है कुछ? अभी तो एक्सपोर्ट चुनाव बाद की स्थिति क्लियर होगी, चुनाव के बाद क्या अमन क्या रेट रहता है, कहाँ बढ़ता है इसका? नहीं, इसमें तो 200-300 रुपये ऊपर नीचे चलता है बस, वो चीज़ एक्सपोर्ट का काम है इसलिए। अच्छा, हाँ। तो मतलब अलसी अभी क्या, अभी आज का क्या है? आज की ये बिक्री है वो जी 4500 से लेके 5500 रुपये तक बिक रही है। 5500 रुपये तक, हाँ जी भाजी। आगे कोई संभावना है? आगे तो सब अच्छा ही होगा। इस बार अलसी की क्या पैदावार रही है कुछ? मेरे हिसाब से कुछ कम है। कम है जी, इसलिए थोड़ा सा रेट खींचा हुआ है जी जी। तो जो अलसी है वो कई चीज़ों में काम आती है, खासतौर से औषधि फसल भी है क्योंकि औषधि में भी काम आती है। इसके अलावा आयल पेंट जो जो आयल पेंट बनता है उसके काम में भी आती है और हर्बल प्रोडक्ट के काम में भी आती है। तो अलसी की अच्छी खासी डिमांड रहती है क्योंकि विदेशों में इसकी मांग अच्छी खासी है और मंदसौर के अंदर उत्पादन भी अच्छा है। हालांकि ये बता रहे हैं कि इस साल जो है थोड़ा सा उत्पादन कम है, लेकिन ये भी तय है कि इसका जो है आगे जो है अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। मार्केट टाइम्स के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।